ये बात विशेष तौर पे मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो जीवन में शुरुआत करने से डरते हैं, जो सोचते हैं कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, जो सोचते हैं कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, वो ये सोचते हैं कि ये पता नहीं कौन लोग करते हैं। दोस्तों, वो लोग वही होते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है, जिनके अंदर जुनून होता है, करता वही है, और वो इंसान ही होता है, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आता। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि तट पर बैठे बैठे कहाँ कुछ तेरे हाथ आएगा, तट पर बैठे बैठे कहाँ कुछ तेरे हाथ आएगा, जब मिलेगा कुछ रत्न तुझे जब सागर की तह में जाएगा, मिलेगा रत्न तब तुझे जब सागर की तह में जाएगा। कुछ हाथ ना आए तेरे समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है, कुछ हाथ ना आए तेरे समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है। अरे चाहे जितना ही हो मुश्किल पहला कदम है जरूरी है। इसलिए दोस्तों, शुरुआत करनी है तो पहला कदम तो उठाइए। अरे उन लोगों से मत डरिए जो आपके रास्ते में बैरियर बन के खड़े हैं, जो लोग आपको लगातार डिमोटिवेट करते हैं। समाज में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये तेरे से नहीं होगा। अरे करना ही वो है जो लोग कहते हैं कि ये तेरे से नहीं होगा। हमें तो दिखाना ही वो है कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। अरे काम वही करो जो करना मुश्किल हो। आसान कामों की ये दुनिया कदर नहीं करती है। यदि आप आसान कामों के पीछे चल दिए ना, तो वो कॉमन हो जाओगे, इस भीड़ में भीड़ बनकर रह जाओगे और भीड़ में आपकी पहचान हो जाएगी। अरे भीड़ में लोगों को आपकी औकात दिखानी है ना, तो कुछ करने का मादा रखो, वो काम करो जो बाकी कम लोग करते हैं, जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल कर दो, और वो तभी होगा जब आपका अंदर का जुनून जाग उठेगा, जब आपके सपने जाग उठेंगे, जब आपका लक्ष्य उस प्रकार से दिखाई देगा जैसे अर्जुन से पूछा गया था कि हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को निशाना लगाना था जब स्वयंवर चल रहा था द्रौपदी का, तो अर्जुन से पूछा उसके गुरु ने कि हे अर्जुन, तुम्हें जिस मछली की आंख में निशाना लगाना है क्या तुझे वो मछली दिखाई दे रही है? अर्जुन ने कितना सुंदर जवाब दिया, नहीं गुरु, नहीं दिखाई दे रही है, मुझे मछली नहीं दिखाई दे रही है, कि मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों, जीवन में यदि स्पष्ट विजन नहीं होगा, यदि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, यदि जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सफलता लेनी है ना, तो आज ही ठान लीजिए, अभी ठान लीजिए कि मुझे ये करना है। जहां भी आप जिसकी भी तैयारी करते हो सामने चिपका डाल दिए कि मुझे ये बनना है, वही आपका भगवान रहेगा। रात दिन सोते उठते खाते पीते आपको एक ही चीज नजर आनी चाहिए कि मुझे ये बनना है, और मैं दावे के साथ कर दूं वो बन के रहेगा। डिपेंड करता है कितनी ईमानदारी से उसने सोचा है, क्योंकि सही कहा है किसने कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।